हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे फार्मेसी स्टडी चैनल में स्वागत है। यहाँ पर मैं फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है जलीज, जो कि डी फॉर्म सेकेंड ईयर का टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स का। इससे पहले मैंने दोस्तों बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो जलीज क्या होती हैं? जलीज आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म मिंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो पहला वाला एरो करके पॉइंट बना हुआ है दोस्तों, तो उसका ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शक और ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है पारदर्शी। तो चीज़ वही है कि ये जो होते हैं ये पारदर्शी हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं और ये एक्सटर्नल अप्लाई की जाती हैं। आपने देखा होगा जब डायग्नोसिस वगैरह होता है अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो वो एक जेली टाइप की अप्लाई करते हैं सबसे पहले, या फिर जब कार्डियक वाली जांच होती है, हमारी दिल की जांच जो होती है, उसमें भी वो लोग लगाते हैं जेली। तो उसके बाद में दोस्तों क्या है, द मे बी प्रिपेयर्ड, दे है यहाँ पे, दा नहीं है सेकंड वाला पॉइंट, दे मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल गम्स। ये नेचुरल गम्स से बनाई जाती हैं जैसे कि ट्रैगाकैंथ है और पेक्टिन है। और दोस्तों ये कुछ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस से भी बनाई जाती हैं जैसे मेथिल सेल्यूलोज एंड सोडियम कार्बो मेथिल सेल्यूलोज। तो ये दोस्तों लिखा नहीं हुआ है। उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जेलीज के बारे में। तो हमारी तीन टाइप के जेलीज होती हैं, एक होते हैं मेडिकेटेड जेलीज, एक होते हैं लुब्रिकेटिंग जेलीज और एक होते हैं मिसलेनियस जेलीज। तो अब हम बारी बारी करके एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेडिकेटेड जो जेलीज होती हैं वो हमारी यूज होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन में, और ये यूज किस लिए होती हैं, स्पर्मिसाइडल एक्शन के लिए, मतलब स्पर्म को किल करने के लिए, और लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी यूज़ होती हैं और एंटीसेप्टिक के रूप में भी ये यूज़ होती हैं। और इन जेलीज जो होती हैं ये, इनमें सफिशियंट मात्रा में वाटर पाया जाता है। और होता क्या है दोस्तों, जैसे हम जेली को अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद में क्या होता है कि इसमें जो वाटर रहता है वो इवापोरेट हो जाता है, और इवापोरेट होने के बाद में जो हमारी जेली होती है वो एक लोकल कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है और रेसिडुअल फिल्म देती है हमको, तो गिव्स प्रोटेक्शन, जो कि वो सुरक्षा देती है। एग्जाम्पल के लिए इसमें एफेड्रिन सल्फेट जेली आएगी, ये यूज होती है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर टू अरेस्ट द ब्लीडिंग ऑफ नोज की ब्लीडिंग को रोकने के लिए। जेली कंटेन फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज एज स्पर्मिसाइडल कंट्रासेप्टिव, और जिसमें फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट होता है दोस्तों जिस जेली में, वो जेली हमारी स्पर्मिसाइडल कंट्रासेप्टिव में यूज होती है। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे लुब्रिकेटिंग जेलीज। तो लुब्रिकेटिंग जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये लुब्रिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये जो जेली होती है ये डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जैसे कि सर्जिकल या फिर ग्लव्स या फिर सिस्टोस्कोप्स या फिर फिंगर स्टाल्स, इनको सबको ये लुब्रिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है ये। और इसमें रेक्टल थर्मामीटर में भी ये लगाई जाती है। दीज जेलीज शुड बी थिन ट्रांसपेरेंट एंड वाटर सोल्युबल। ये जो जेलीज होती हैं ये थिन होती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं, पारदर्शक होती हैं और वाटर में घुलनशील होती हैं। दीज जेलीज शुड बी स्टेराइल बिकॉज दीज आर यूज एज लुब्रिकेंट फॉर आर्टिकल्स टू बी इंसर्टेड इन टू स्टेराइल रीजन्स ऑफ द बॉडी सच एज यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि ये जो जेलीज होती हैं इनको स्टेराइल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये यूज़ की जाती हैं आर्टिकल्स को लुब्रिकेट करने के लिए, जो कि हम किस में यूज़ करते हैं दोस्तों,
इंसर्ट करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं बॉडी रीजंस में या फिर यूरिनरी ब्लैडर को चेक करने में, डायग्नोज करने में यूज किया जाता है। इसलिए इनको सबसे पहले स्टेराइल करना जरूरी होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे मिसलेनियस जेलीज। मिसलेनियस जेलीज जो हमारी होती हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं, तो आपने देखा होगा, अभी हमने बताया था कि दिल की जांच करने में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होती है उसमें एक जेली यूज की जाती है। तो ये जो मिसलेनियस जेली होती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में यूज की जाती है। तो इसमें क्या होता है, द जेली इज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रोड टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट। ये जेली जो होती है वो इलेक्ट्रोड पर लगाई जाती है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट कम करने के लिए बिटवीन द पेशेंट स्किन एंड द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड और पेशेंट स्किन के बीच में ये जेली लगाई जाती है। आप लोगों ने करवाया होगा अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो एक जेली टाइप की लगाते हैं, आपको पता होगा। द जेली कंटेन सोडियम क्लोराइड, जेली में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, प्यूमिस पाउडर होता है एंड ग्लिसरीन होता है। द सोडियम क्लोराइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दोस्तों जो सोडियम क्लोराइड है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वेयर ग्लिसरीन एक्ट एज ह्यूमेक्टेंट, और जहाँ पे जो ग्लिसरीन होती है वो ह्यूमेक्टेंट के रूप में काम करती है। तो ये दोस्तों हमारा वीडियो था जेलीज के बारे में, और अभी रह गया है फॉर्मेशन ऑफ जेलीज के बारे में, थोड़ा सा रह गया है फॉर्मेशन ऑफ जेलीज। उसके बाद में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ जेलीज। तो जेलीज को हम बनाएंगे कैसे, तो देख लेते हैं दोस्तों। द फार्मास्यूटिकल जेलीज आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ थिकनिंग एजेंट। जो फार्मास्यूटिकल जेलीज होती हैं उनमें थिकनिंग एजेंट को ऐड करके ये बनाया जाता है जेलीज। थिकनिंग एजेंट इसको जो गाढ़ा करें, सच है, जैसे कि ट्रैगाकैंथ और कार्बोक्सिलिक, मेथिल सेल्यूलोज एक्सेट्रा, ये यूज किए जाते हैं, अभी बताया था। टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ड्रग द मास इज ट्राइचुरेटेड इन अ मोर्टार, और हम क्या करते हैं, जो मास होता है हमारा उसको हम मोर्टार में ट्राइचुरेट करते हैं अंटिल अ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड, और हमको एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट मिलता है। द ग्लास पिसल, पिस्टल बोलते हैं इसको, द ग्लास पिसल एंड मोर्टार इज यूज इन केस ऑफ डार्क कलर्ड ड्रग। अगर हमारी ड्रग जो है वो कलर में ब्लैक है तो हम मोर्टार पेसल यूज करेंगे। द होल गम शुड बी प्रीफर्ड ओवर द पाउडर्ड गम टू प्रिपेयर द जेली बिकॉज इट प्रोड्यूस अ क्लियर प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी। तो ये दोस्तों हो गया, आप वीडियो को पॉज करके ये लिख भी सकते हैं प्रिपरेशन हमने जो आपको बताया है। उसके बाद में दोस्तों स्टोरेज ऑफ जेलीज, तो इसको हम स्टोर करते हैं वेल फिल्ड एंड वेल क्लोज्ड कंटेनर टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है, इसको हम ऐसे कंटेनर में रखेंगे कि जो जेली में वाटर है वो इवेपोरेट ना हो। जेलीज आर स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस, और इसको हम कूल प्लेस पे रखेंगे टू प्रिवेंट ड्राइंग आउट, सूखने से बच जाए ऐसी जगह पे रखेंगे। द स्टेराइल जेलीज सच एज कैथेटर लुब्रिकेंट आर पैक्ड इन कोलैप्सिबल ट्यूब्स में, ये पैकेट ट्यूब्स आते हैं, देखा होगा आपने। तो ये हमारा वीडियो था जेलीज के बारे में दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें दोस्तों मैं नोट्स तो नहीं प्रोवाइड कर पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा कि जैसे मैं वीडियो डालता हूँ वैसे ही बनाऊँ। आप लोग कमेंट करके बताइए जैसा भी जो हो आपको अच्छा लगे अगर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।